हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैंने वीडियो में आज के लिए बात करने लगा हम अपने होनर 200 डिवाइस के अंदर डिस्प्ले साइज को कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये होनर 200 डिवाइस है, इसके अंदर हमें डिस्प्ले साइज को सेट करना है, तो उसको हम सेट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आप किसी इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको आप इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है। नीचे आते डिस्प्ले साइज़ पर क्लिक करना है। डिस्प्ले साइज़ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको जो डिस्प्ले साइज रखना है उसको आप सेट करते हैं। तो जैसे कि हम इसको लार्ज करते हैं, लार्ज करने के बाद हम बैक करते हैं, तो हमने इसको लार्ज सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपको डिस्प्ले साइज़ हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर जो आइकन वगैरह वो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर हमको अगर स्मॉल चाहिए था, स्मॉल कर लेना है। स्मॉल करने के बाद आपको देखिए, इस तरीके से आपका फॉन्ट वगैरह शो होता है और आपका डिस्प्ले साइज़ कुछ छोटा हो चुका है। तो आपको जो भी डिस्प्ले साइज़ रखना है वो रख सकते हो। तो यहाँ से आप डिस्प्ले साइज़ को सेट कर सकते हो। तो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई।